गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। यहाँ जो भी मुकुट है वो 22 किलो सोने का है, उसके बाद हाथ है वो भी दोनों सोने का है। एंड मोर इम्पोर्टेंट, कैसे ये टेस्ट नहीं होता, मतलब चखा नहीं जाता है, तो उसके दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज़ यू नेवर टेस्ट द फूड बिफोर द नैवेद्य इज शोन टू द गॉड्स। यही वो दिन है जब महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोग अपना सबसे भावनात्मक त्योहार मनाते हैं, गणेश चतुर्थी, जब प्रिय गणपति बाप्पा सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं बल्कि हमारे शहर के हर कोने कोने में आते हैं। और ऐसे ही एक शहर के कोने में मैं आया हूं, माटुंगा के प्रसिद्ध जीएसबी सेवा मंडल गणेश उत्सव के बाप्पा का दर्शन लेने। तो हमारे साथ है एक्स ऑफिस बेयरर सतीश नायक। सतीश नायक जी, गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया। और ये जो जीएसबी सेवा मंडल का गणपति है वो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, कितने साल हो गए हैं अभी इनका? अभी 69th ईयर है। 69th ईयर 1954 में इसका 12 इंच के गणपति लाके हमारे एक फ्रीडम फाइटर है माधव पुराणिक, उन्होंने ये चालू किया। बम्बई में हम लोग कर्नाटका से आए हैं, तो उधर समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणेशोत्सव मनाया गया। बाद में 17 साल हमारा गणपति, 16 साल वडाला के श्री राम मंदिर में मनाया गया। हमारा दिल में या सबका इधर विश्वास ऐसा है, भगवान को बढ़ना था। उधर 12 इंच का गणपति यानी 1 फुट का गणपति बढ़ के 6 फुट तक हो गया। फिर वो दरवाजा का जो लिमिट आता है उसके बावजूद नहीं बढ़ सकते है, उसके लिए उधर से गणपति अभी इधर आ गया। इधर आके हर साल एक एक फुट बढ़ के आज इसका ऊंचाई 11 फीट है केवल मूर्ति का। और गणपति जमीन से लेके ऊपर का मुकुट तक, उसको हम लोग बोलते हैं कीर्ति मुख, वो मिला के 14 फुट है। सब मिला के ट्रॉली का साथ जब हम जाते हैं तो 17.5 फुट है। जीएसबी सेवा मंडल मुंबई के सबसे पुराने और सबसे पारंपरिक गणेश मंडलों में से एक है, और ये भी कहते हैं कि ये सबसे धनी मंडलों में से भी एक है। अभी ये गणपति में आपने जो दिखा है, सोना है, चांदी है, ये सब रियल है। यहाँ जो भी मुकुट है वो 22 किलो सोने का है, उसके बाद हाथ है वो भी दोनों सोने का है, और एक दो सिंहासन है वो 6.5 किलो का है। सब मिलके सोना करीबन 38 किलो है, 38 किलो, और पीछू मकर है इसका चांदी का, और बाद में बहुत से आभरण है वो चांदी के, 350 किलो है का। हम लोग वैल्यू जब निकालते हैं इंश्योरेंस का वजह से, तो आज के भाव में उसका 26.5 करोड़ का इंश्योरेंस है आज के वैल्यू में। ये भी कहते हैं कि यदि आप सच्चे मन और भक्ति भाव से मनोकामना करते हैं तो ये गणपति आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। जीएसबी सेवा मंडल के गणपति के गर्भगृह में जाने के लिए और पूजा करने के लिए मैंने सिल्क सोल पहना है। सोल इज अ सिल्क धोती विच इज मोस्टली वॉर्न ड्यूरिंग रिचुअलिस्टिक वर्शिप। इट इज बिलीव्ड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ डीटीज सात्विका एंड चैतन्य आर इम्बाइब्ड एंड सस्टेन्ड इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इन अ सिल्क क्लॉथ। तो आइए इस गणपति के दंत कथा के बारे में थोड़ा और जानें, दर्शन करें और फिर उनसे पूछें कि गणपति बाप्पा खाने में क्या है।
अभी दिन में लगभग 6,000 लोगों के लिए खाना बनता है, मैंने सुना 6,000 नहीं, 6,000 तो पूजा होता है। अच्छा, 5 दिन में 66,000 पूजा है। हाँ। लेकिन फैमिली मेंबर चार चार है। हाँ। तो रोज इधर 15,000 से 18,000 आदमी भगवान का महाप्रसाद भोग लेते खाते हैं। और यहाँ जो महाप्रसाद जो बनता है बहुत स्वादिष्ट है, और हम जाकर भोग लेने वाले हैं उसका। लेकिन मैंने सुना है कि आपके जो कुक्स हैं वो उड़पी से आते हैं यहाँ तक। बराबर, कुक्स भी वहाँ से आते हैं। क्यों? हमारे मुंबई के कुक गैस में खाना पकाते हैं, ये लकड़े में बनता है। और इतना बड़ा बड़ा जो हम लोग बर्तन है उसमें हम और आप छुप जाएगा, इतना हाइट है। उतना में सांभर, उतना में रसम, उतना में दाल बनता है। तो उसका चूल्हा हम लोग बुझा देता है, बर्तन नीचे नहीं उठाता है, वो चूल्हा बुझा देता है और बाद में आपका खाना उधर ही देता है। और कटार कटार निकाल के इधर एक लाइन में करीबन 50 से 52 आदमी बैठता है, ऐसा 36 लाइन है। एक टाइम एक पंगत बोलते हैं मराठी में, एक टाइम में एक पंगत में 1,800 आदमी खाना खा के निकलता है। ऐसा 7-8 होता है, यानी शाम को 6 बजे तक इधर लंगर का प्रसाद मिलते रहे। हमारे साथ है राजीव कामत। राजीव जी, यहाँ जो एक मुख्य जो होता है वो भोग होता है, प्रसाद होता है, खाना बनता है, नैवेद्य दिखाते हैं, तो वो क्या प्रोसेस है यहाँ इस गणपति का? तो हमारे यहाँ जो अगर आपने देखा रहेगा जो पूजा सब होती है वो एग्जैक्टली ट्रेडिशनल काफ़ी पूजा होती है इधर। वो पूजा के हिसाब से जो जो भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है वो नैवेद्य यहाँ आके जो ये पूरा हमारे यहाँ जो किचन बनता है, जो बाहर के जो सेवेदार, हाँ ये पूरे जो सेवेदार के लिए जो बनता है खाना, वो प्रसाद हमको यहाँ आता है। तो भगवान का मध्याह्न पूजा होने के बाद भगवान यहाँ तक आते हैं और यहाँ सब जितने खाना आप देख रहे हो, राइस हो या जितने आपने बड़े कटर्स देखे, तो उसके सब में भगवान का जो भोग है वो यहाँ डाला जाता है, उसको प्रसाद बोलते हैं। और यही प्रसाद जो है होता है वो हम जो सेवेदार आते हैं, जो दर्शकन आते हैं, उनके लिए हम लोग सब लोगों को बांटते हैं। तो भगवान का प्रसाद सबको मिल जाता है। दैट इज नाउ आई हैव अंडरस्टूड। तो चलो किचन के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। सुबह का नाश्ता चालू है, तो सुबह का नाश्ता में अगर आप देखेंगे तो मैसूर बोंडा चालू है। देन उसके बाद जो उपमा बनता है या जो चूड़ा टाइप होता है वो है। स्वीट में हम लोग जो मैसूर पाक बोलते हैं वो अगर आप देखा रहेगा मैसूर पाक दे रहे हैं। और उसके बाद का अभी 1 घंटे के अंदर पूरा खाना चालू होएगा, तो खाने की पूरी तैयारी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो बड़े बड़े कटर्स आपको दिख रहे हैं वो तो हमारे मतलब हाइट से भी बड़े हैं कटर, वैसा वो कटर के अंदर पूरा खाना बनता है। ये बड़े बड़े जो ये आप इसे क्या कहते हैं, कटर? कटार बोलते हैं। तो एक्चुअली वो क्या होता है, हम पहले के जमाने में कलई लगा के जो करते थे, अंदर से पूरा कलई वाला है, तो पंचधातु टाइप जो होते हैं उसे बनता है और अंदर पूरा कलई होके, दैट्स हाउ वी। तो दीस यूटेंसिल्स कम आउट वंस अ ईयर टू कुक द लंच एंड प्रसाद ओवर हियर, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज कुक्ड ऑन वुड फायर, सो द फ्लेवर ऑफ द
wood and the taste which comes is totally different. और अगर आप smokiness and all that and more important कैसे ये taste नहीं होता, मतलब चखा नहीं जाता है, तो उसके that's another part of it. Because you never taste the food before the naivedya is shown to the gods. That's right. गणपति का जो पूजा होती है वो काफ़ी ट्रेडिशनल होना मांगता है. तो अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई बॉलीवुड के गाने आपको नहीं सुनाए देंगे या कोई भी, तो हमारा खाना भी जो रहता है काफ़ी ट्रेडिशनल हम बनाते हैं और वैसे ही हम पूरे सेवेदार्स को हम लोग पर्सनली भी सर्व करते हैं. तो आप एक्चुअली देखेंगे कि वो केले के पत्ते के ऊपर बैठ के हम लोग उनको खाना खिलाते हैं. So that taste of that banana leaf comes into the food. Also adds to your food. And it is a full-fledged meal. You will have the pickles, you have two type of sabjis, you have dal, rasam, you have rice, sweet, and extra laddu ya koi rehta hai. All that stuff, water, everything is there. That's the reason this Samradana, we have around 600-650 volunteers who work over here for to make that a success. And that's how we roll it very fast. Thank you very much. Thank you. Abhi taste karte hain. कोकोनट में थोड़ा सा जीरा, धनिया, धनिया जीरा एंड मिर्ची आपको थोड़ा रोस्ट करके टू ग्राइंड इट विद द कोकोनट, ओके, एंड देन यू मिक्स इट विद दिस, ओके, एंड पुट योर सॉल्ट एंड एवरीथिंग. इट इज साउंडिंग वेरी नाइस एंड इट इज सपोज्ड टू बी मिक्स्ड विद दिस. इट्स रियली द बेस्टेस्ट वन एंड इज अ चूड़ा. दिस पोहा इज कंप्लीटली अनयूजुअल फ्रॉम द नॉर्मल पोहा दैट वी टेस्ट. इट्स फाइन, इट्स थिन. Oh, we make at home for the breakfast and all. And it's a sweet one. And this is a biscuit ambada, we say, because in the evening, leftover batter of medu vada, we put coconut cut, chilies, kadi patta, and then we do it. Biscuit ambada. Biscuit ambada. So no GSB food is complete without coconut. Correct. It is that. Coconut makes it soft. Makes it soft. And little of coconut you have to dry, grind it with the jeera and dhania. Roasted jeera and dhania and dry it. And to end this nasta is the mesur, which is like a mesur pak but it's hard and dry. And this is actually the way I like it. So this is like mesur pak but it is dry and it is hard like a biscuit. It's also the way I actually like a mesur pak. It's delicious. So this is the starting of the nasta, which is the poha, the chura, biscuit ambada and mesur pak. तो जैसे राजीव ने बताया, गणपति जी के पूजा के बाद बाप्पा को नैवेद्य चढ़ाया जाता है और बाप्पा को खुद किचन तक लाया जाता है और फिर पूरे लंगर पे भोग चढ़ाया जाता है. फिर वो लंगर हजारों की तादाद में आए हुए भक्तों को परोसा जाता है. सालों की परंपराओं के अनुसार इतना सारा सात्विक खाना वुड फायर पे पकाया जाता है और बिना प्याज और बिना लहसुन के, और फिर केले के पत्तों पर परोसा जाता है. और कैसे कहूं, इस भोजन को चखने के बाद सब एक हो जाते हैं और वो कहते हैं ना कि इट्स सेलिब्रेशन ऑफ फेथ एंड इट्स द सेलिब्रेशन ऑफ कम्युनिटी.